मॉडर्निटी, आधुनिकता, प्रगति, ये कुछ शब्द हैं जो किसी भी देश के अहम, किसी भी देश के अहंकार को दर्शाता है। लोग कहते हैं कि हम आपसे मॉडर्न हैं, हम आपसे प्रगतिशील हैं, हम आधुनिक हैं। दुनिया बटी है दो भागों में, एक है डेवलप कंट्री, एक है डेवलपिंग कंट्री। ये सारे जो अमेरिका, रशिया, चीन, जर्मनी, यूके, ये सब अपने आप को कहते हैं हम डेवलप्ड नेशन है, और हमारे जैसे लोग अभी भी डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है। ये हमारे शायद एक तरह से किसी भी देश को देखने का तरीका है, लेकिन क्या डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड हुई है हर मायने में? कोई इसके बारे में सोचता है? सिर्फ जीडीपी बढ़ जाने से क्या सिर्फ डेवलप हो जाते हैं आप? आपके यहाँ पर सब आधुनिक चीजें, आपके साथ आधुनिक इन्वेंशन आपके पास आ जाते हैं, दुनिया भर के गैजेट्स आपके पास आ जाते हैं, दुनिया भर के एयरक्राफ्ट आपके पास आ जाते हैं, दुनिया भर के आपके पास रक्षा की इतने बड़े बड़े, अभी अमेरिका ने डिक्लेयर किया है कि उसके पास दुनिया का सबसे खतरनाक विमान उसको मिला है, शायद उसका नाम रेडर है शायद, और वो इतनी स्पीड से जाएगा कि कोई उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकेगा, और वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी को भी मार सकता है। इसको मॉडर्निटी कहा जाता है, इसको हम कहते हैं कि हम आधुनिक हैं, हम स्ट्रांग हैं, हम आपसे बड़े हैं। लेकिन आज मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम इस मॉडर्निटी के चक्कर में इतना ज्यादा घुस गए हैं कि हम अपने 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 मॉरल वैल्यूज, अपनी परंपरा, अपनी सोच, हम काम कौन सा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, इसके पर हमारा सोच बंद हो गया। आप अगर मुझसे पूछें तो वो दिन अच्छे थे जब, आपको भी याद होगा, मुझे तो याद है हमेशा भी, छोटा सा बीबीसी का रेडियो होता था जिसमें बीबीसी का न्यूज़ आता था, ऑल इंडिया रेडियो आता था, हम लोग कुर्सी लेके बैठ जाते थे और वो इतनी ब्यूटीफुली में आज के देश का, दुनिया की खबरें सुनाता था वो रेडियो, छोटा सा ब्यूटीफुल, वो जिंदगी थी लोगों की। आज वो रेडियो सिर्फ कार के अंदर घुस के अंदर वहीं तक सिमट कर रह गया है, उसको रिप्लेस कर दिया है टीवी ने। टीवी में जब आया था तो टीवी इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर लोगों तो बोलते हमने इतना बड़ा टीवी लिया हुआ है, उसमें घुसते घुसते मालूम पड़ा सडनली मोबाइल आ गया, मोबाइल ने सडनली कहा अरे बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे इस 4x2 में भी आप पूरी फिल्म देख सकते हैं, और धीरे धीरे मोबाइल ने टीवी को रिप्लेस कर दिया। और अभी तो मोबाइल के अंदर भी इतने ऐप्स आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है, इतने चिट चैट आ गए हैं, इतनी सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दुनिया बदल गई है, और इसे हम कहते हैं प्रगति। मैं जानना चाहूंगा कि प्रगति के कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं। आज का बच्चा, आज का यूथ, खासतौर पर हम बात करेंगे क्योंकि यही यूथ है, यही बच्चे हैं जो हमारे देश को आज से 20 साल के बाद में अपने कंधों पर लेकर चलने वाले हैं। हमारा देश सुपर पावर बनेगा कि नहीं बनेगा, इन बच्चों पर डिपेंड करता है, जिनके कंधों पर हमारे देश का भविष्य टिकने वाला है, ये हमारे देश के कर्णधार कहे जाएंगे। मगर इनके कंधों के इन हाथों में एक ऐसा गैजेट आ गया है जो इनके दिमाग को कैद कर चुका, नॉलेज किताबों से निकलकर विकिपीडिया में आ गई है। आज का बच्चा अगर कुछ जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से जानता है, गूगल से जानता है। क्या आप उसको ज्ञान कहोगे? क्या आप उसको कहोगे ठीक है उसने कुछ कुछ जान लिया है, पर क्या वो उसको संभाल के रखने वाला है? जो किताबों के में पढ़ा हुआ आज तक हमारे दिमाग में है, क्या वो आप समझते हैं कि वो उस एक मिनट में आपने चक 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 टाइप कर दिया, अरे आई वॉन्ट टू नो अबाउट द दिस चीज, और फटाक से आपको उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझ आती है, आप खुश हो जाते हैं, ओह ये वो है, लेकिन क्या आप 6 महीने बाद याद रखेंगे उसको? नहीं रखेंगे। मैं प्रगति की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अच्छाई बुराई की बात कर रहा हूँ। प्रगति तो हुई है, आप जानते हैं एक जमाना था जब मैंने अपने अपने फादर से सुना है, मदर से सुना है कि उनकी दादी होती थी, पाकिस्तान से हम आए हैं, बोलते वहां 3 माले की बिल्डिंग होती थी और हमारी दादी जो है वो एक बाल्टी लेकर 3 माले से नीचे से ऊपर आती थी। आज का बंदा क्या करता है? ऊपर जाने के लिए एक बटन दबाता है, लिफ्ट आती है, दरवाजा खुलता है, एंटर करता है, फिर बटन दबाता है, ऊपर पहुंचती है, 6 माला,
कभी कभी तो 56 फ्लोर्स, और फिर जब वो दरवाजा खुलता है तो दैट मैन इज देयर ऑन 56th फ्लोर विदाउट इवन मूविंग हिज लेग्स. सो लिफ्ट ने चेंज कर दिया हमारी जो वो कसरत होती थी जो हमारी दादी माँ करती थी, जो बहुत जरूरी हमारे शरीर के लिए प्रगति के नाम पे, वो गायब हो गई. एक जमाने में हम टीवी पे जाते थे और हम नॉक घुमाते थे, नॉक घुमाते थे, आ रहा है, कभी गड़बड़ होती थी, ऊपर एंटेना में चढ़ के टेरिस पे जाके वो अपने ऐसे ऐसे हिलाता था, आया नहीं आया, आया 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 आ गया. अब क्या होता, अब बच्चा बताया मम्मी मेरा 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 वो कहाँ है, और वो वेट करता है उसका जो उसके हाथ में जब तक वो नहीं आएगा जिसके थ्रू वो बटन दबाते ही टीवी स्टार्ट कर सकेगा. आप जानते हैं इसमें क्या नुकसान होगा, आपकी उंगलियां चल रही हैं, आपके हाथ नहीं चल रहे, आपके पैर नहीं चल रहे, आपके शरीर के बॉडी के टिश्यूज को कोई एक्सरसाइज नहीं मिल रही है, और वो सीधा जाकर धीरे धीरे वो लूज करता जा रहा है. एक जमाने में हम बोलते थे 8 9 72, आज बोलते हैं 8 9, एक मिनट कैलकुलेटर लगाते 8 × 9, 8 9 72. उस जमाने में हमको याद होता था 2 × 4, 4 × 8, 5 × 10. क्या समझते इसको प्रगति कहेंगे आप अपने दिमाग को रेस्ट दे रहे हैं. दिमाग तब तक काम करेगा जब तक उसको एक्सरसाइज होती रहेगी. जिस दिन दिमाग बोलेगा कि आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, वो आपको खुद ब खुद धीरे धीरे नकारेगा, और तब जाकर डिमेंशिया होती है, तब जाकर आप भी बड़ी उम्र में जाकर आदमी भूल जाता है, लोगों के नाम भूल जाता है, अपने परिवार वाले को बता कौन है आप. क्योंकि हमारा ये दिमाग ऐसा है ना, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो कहते हैं कि एक बार जाते हैं तो वापस नहीं आते, और पूरे शरीर में सेल्स बनते रहते हैं, लेकिन दिमाग में करोड़ों अरबों सेल्स हैं, लेकिन अगर जब जनरेट होते हैं, टूट जाते हैं, तो वापस नहीं आते. तो यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंड, क्रिएटिविटी से लेकर हर चीज के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में, दुनिया को देखिए, उसको एंजॉय कीजिए. लेकिन हम क्या करते हैं, बस सिर्फ वो मोबाइल में घुसे रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि कौन कहाँ से आके आपको पीछे से चाकू मारेगा, वो भी नहीं मालूम पड़ता. क्या इसको आप कहेंगे प्रगति? ये प्रगति है जहां पर एक बच्चा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच में बैठकर पूरी फिल्म देखता है, जो अपने परिवार वालों के साथ में एक बार अपने ड्राइंग रूम के घर के बैठकर सदस्यों के बीच में देखता था, तालियां बजती थी, एंजॉय करते थे, पॉपकॉर्न खाते थे बैठकर, आज वो नहीं है. आज वो सब कुछ धीरे धीरे बिछड़ता जा रहा है, और इसको कहते हैं कि मैं प्रगतिशील हो गया. प्रगति आपको जिस डायरेक्शन में ले जा रही है, मुझे उस पर एतराज है. मुझे वो जमाना ठीक था जब डिजिटल मीडियम नहीं था. आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, माफ करना मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, कभी कभी मुझे लोग कहते हैं कि आप सबके खिलाफ क्यों बोलते हो, मैं बोलता इसलिए खिलाफ बोलता हूँ कि मुझे इसमें समाज के पतन तो नहीं कहूंगा, बट समाज की अधोगति दिख रही है. अच्छी चीज है, उनके दिमाग में अच्छी चीज आई है. मुझे याद है आज से 3 साल 4 साल पहले डिजिटल, जब मैं चेयरमैन था चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का, डिजिटल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, हर चीज डिजिटल होगी. मुझे थोड़ी देर समझ में आया, थोड़ी देर नहीं भी समझ में, लेकिन आज बाद में जाके ये अनाउंसमेंट हुआ, अरे हम पूरे गांव में वाईफाई कर देंगे आपको, अरे हम पूरे स्टेशन पे वाईफाई कर देंगे. आज वाईफाई इज द मोस्ट डिजायरेबल पीस ऑफ गैजेट नीडेड बाय एवरीबॉडी जो इंटरनेट से खेलते हैं. मैं समझता हूँ वाईफाई के बहुत फायदे हैं. आपको फाइल डाउनलोड करनी होती है, वाईफाई नहीं होता, आपके पास इंटरनेट नहीं होता, लेकिन आप जहां बैठे हैं सारे के सारे फायदा उठाते हैं, और फटाफट इंटरनेट के ऊपर उनकी फाइलें डाउनलोड फास्ट होती है. टू दैट एक्सटेंट यस 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 हम प्रगतिशील हुए हैं. हमको वेट नहीं करना पड़ता, हमने बटन दबाया 5 सेकंड के अंदर इतनी बड़ी फाइल, पूरी की पूरी फिल्म हमारे यहाँ पर आ गई. बट जानते हैं वाईफाई क्या लेकर आता है आपके सामने? मुझे क्यों इतराज है वाईफाई से? कैन यू इमेजिन, एक गांव का छोटा सा बच्चा जिसने अभी तक 4th क्लास पढ़ी है, समझ लिया 8वीं पढ़ी, चलो उसके दोस्त हैं जो 10वीं पढ़ते हैं, उस बच्चों के बीच में वो खेलता है. पहले वो उस जमाने में हम लोग नारगुड़िया खेलते थे, कितनी खेलते थे, पेड़ के ऊपर चढ़ के खेलते थे. पिछली बार मुझे मुकेश ऋषि ने बताया कि हम जामुन के पेड़ पर घंटों जामुन के पेड़ पर हम चढ़ के तोड़ते थे, बैठते थे, उतरते थे, हमारी जांघें मजबूत होती थी, हाथ मजबूत होता था. आज का बच्चा वो सब नहीं करता, तो उसको अचानक बैठे बैठे वो नॉलेज मिल जाता है जो उसकी क्लास में उसको नहीं सिखाया जाता. क्यों हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन टेंथ SSC, फिर HSC होता है, जो SSC होता है, फिर फर्स्ट ईयर ऑफ
इन कॉलेज, सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज इंटर बोलते हैं जिसको, थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज भी ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, देन एम एम, देन उसके बाद में आप पढ़ते हो तो आपको एमकॉम मिलता है या आप मास्टर पढ़ते हैं। लेकिन कहीं आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं मैं अपने 10 साल या 12 साल के बच्चे जो बहुत बेघावी है, उसको बहुत नॉलेज है, उसको सीधा मैं क्यों नहीं बिठा दूं कॉलेज में? साहब नहीं बैठेगा, वो बैठ जाएगा, वो रट भी लेगा, मालूम भी कर लेगा, इंटरनेट से मालूम कर लेगा, तैयार हो गया। ऐसे कई लड़के बैठे हुए देखता हूँ बड़े, उनकी बहुत तारीफ होती है कि ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप सर ये नेचुरल ग्रोथ नहीं है। तभी मैं कहता हूं कि प्रगति नेचुरल नहीं है, आधुनिकता नेचुरल नहीं है, मॉडर्निटी में खोट है, मॉडर्निटी आपको आलसी बना रहा है। आज एक जमाने में हम कार चलाते थे जो गियर से बदलने पड़ते थे हाथ से, आज आ गई है कौन सी कार, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक कार है, कुछ नहीं करना पड़ता, साहब बैठे रहो ऐसे, गाड़ी स्लो होगी तो गियर चेंज हो जाएगा, गाड़ी एक्सीलेटर दबाओगे गाड़ी बढ़ेगी, गियर चेंज हो जाएगा, आप अपने पैर नहीं यूज कर रहे। अच्छा लगता है सोचकर, अरे यार कितनी आराम से कर सकते हैं यार। आराम दुश्मन है आपके शरीर के स्वास्थ्य का। जितना ज्यादा आराम करोगे उतना ज्यादा आलसी बनोगे। दिन रात का सिस्टम बनाया है भगवान ने। पक्षी भी देखो आप, 7 बजे सनसेट के बाद में सीधा धीरे 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 वो जाते हैं अपने घोंसले में और सो जाते हैं, 3:30 बजे उठते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो 7:30-8 बजे तो हम लोग पार्टियों में जाते हैं, पब में जाते हैं, बियर भी जाते हैं, डांस किए जाते हैं, 1 बजे खाना आता है, 3 बजे तक डांस करते हैं, 4 बजे घर में आते हैं, जब पक्षी उठ रहे होते हैं आप सोने जाते हो। आपके क्या शरीर का, कैन यू, डू यू नो दैट योर बॉडी हैज अ साइकिल फ्रॉम द बर्थ। रात का मतलब सोना, दिन का मतलब जागना। रात को सिर्फ वो जागता है जो 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 चौकीदार होता है, रात को वो नहीं जागता जो एक नागरिक होता है जिसको सुबह भी ऑफिस में काम करना है। कमिंग टू द मेन पॉइंट इज दैट मैं बोलूंगा कि ये सारी चीजों की वजह से आप क्या समझते हैं, हमारे बच्चे होशियार हो रहे हैं, हमारे बच्चे ज्ञानी हो रहे हैं, हमारी यूथ कंसिडरेट हो रही है, हमारी यूथ को त्याग की भावना है, हमारी यूथ को माँ बाप की तरफ अपना कर्तव्य याद रहने वाला है। माफ करना, जितना देश हमारा मॉडर्न है उतना ही हमारा देश के बच्चे उतने ही वही बनेंगे जो अमेरिका में। अमेरिका भले अपने आप को सबसे ज्यादा प्रगतिशील कहे, लेकिन वहां की यूथ आज एक गन लेके जाती है स्कूल में, डड़ करके मार देती है अपने उन्हीं बच्चों को जिनके साथ वो खेलता रहता है। क्यों उसको गुस्सा आ गया? ये गुस्सा कहाँ से आता है? ये चिड़चिड़ापन कहाँ से आता है? क्यों एक छोटा सा बच्चा, मैंने सुना है, अपने माँ बाप को जला देता है कभी कभी। आज आपने देखा एक केस को जिसमें उसने अपनी श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया। कहाँ से आई ये सब चीज? गैजेट्स। निर्भया केस कहां से आया? गैजेट्स। क्यों बोलेंगे आप गैजेट से क्यों आए भाई साहब? अरे साहब ये लोग देखते हैं उस छोटे से जो हमारे प्रधानमंत्री ने वाईफाई दे दिया है, जिसके अंदर आप कोई भी आदमी जाकर मेंबर बनकर कोई भी तरह की फिल्में देख सकता है, चाहे वो पॉर्न फिल्म हो। हमारे जमाने में अलाउड नहीं होता था, आज के जमाने में हर बच्चा देखता है। वो बच्चे एक देखता तो समझ में आता है, थोड़ी भ्रमित रहेगा, 10 लोग देखते हैं तो पार्टी समझते हैं। किसी लड़की को रास्ते में जाके पटाखे उठाते हैं, चल उठा लेते हैं, उस वक्त उनका दिमाग नहीं चलता क्योंकि उन्होंने एक फिल्म में देखा होता है। इस तरह से ये जो 35 टुकड़े करने का जो बताया है, ये 35 टुकड़े करने वाला जो ये आफताब है, ये मालूम पड़ा है कि इसने किसी वेब सीरीज से ये पूरे का पूरा एक प्लान उठाया था कि कैसे हम उसको मार सकते हैं, कैसे उसको काट सकते हैं, कैसे पॉलिथीन में डाल सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं 6 महीने तक, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई नहीं पकड़ेगा। हम मॉडर्निटी में घुस गए हैं। मान लो मैं पेरेंट्स से भी कहूंगा अपने बच्चों पर निगाह रखो, पेरेंट्स को कहूंगा अपने बच्चों के दोस्त बनो, बच्चों को पूछो जब सुबह रात को घर पे आता है कहां थे तुम, किस दोस्तों से मिलते हो, भले उनको बुरा लगने दो, शुरू में उनको बुरा लगेगा। आज माता पिता डरते हैं उनके गुस्सेपन से, लेकिन आप अगर उनके तरफ पेरेंटिंग नहीं करोगे तो वो और बिगड़ेगा। यू हैव टू मेक देम कम बैक टू देयर रूट्स ऑफ आवर कंट्री। सो मैं यही चाहूंगा कि क्या मेरा सवाल यही है, आप भी सोचिए,
मैं तो बहुत सोच सोच कर थक गया हूँ कि क्या हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, क्या यही प्रगति है। 500 साल पीछे जाना अधोगति होगी। 500 साल पहले के गुरुकुल में सीखा हुआ सीख अभी आएगी तो क्या हम लोग पिछड़ जाएंगे? हम गुरुकुल में पढ़ेंगे तो क्या हम अमेरिका, लंदन और ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए बच्चों से पीछे रहेंगे? नहीं साहब, आप गुरुकुल को नहीं जानते। लॉर्ड मैकॉले ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी थी। कहते 9 लाख गुरुकुल में से 7 लाख गुरुकुल जला दिए गए थे। मैं सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मैं सिर्फ आज यही इसी पॉइंट पर अपने व्यूज लाया हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। आर वी डू वी टेक प्राइड इन अवर मॉडर्निटी? शुड वी टेक प्राइड इन अवर आधुनिकता? शुड वी बी कंसिडरिंग अवर सेल्फ बिगर, बेटर, सेंसिबल देन गांव के लड़के जिनके पास अभी तक मोबाइल नहीं पहुंचा है? भोला भाला है, इंसान है, लेकिन आपसे वो तंदुरुस्त होगा। एक दफा आपको मारेगा, आप कहां गिरेगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा, वो उसकी शक्ति है। मैं कर कुछ नहीं सकता, फिर भी मैं इस पॉइंट को उठाना चाहूंगा, सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। ये कई जितने भी चैनल्स भरे पड़े हैं जिसमें पोर्नोग्राफी से लेके एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग, चाइना ने इसको ब्लॉक किया था, चाइना ने गूगल को स्टॉप किया था। हम लोग गूगल को स्टॉप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप समझिए स्टॉप करना क्यों जरूरी है। सही लोगों तक पहुंचता तो मैं एतराज नहीं करता। जैसे जैसे कैलकुलेटर एक जरूरतमंद के पास पहुंच गया जिसको बहुत कैलकुलेट करना है, मैं अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन यही कैलकुलेटर अगर 6 साल के बच्चे के पास भी पहुंच जाए, उसी से वो अपना ज्ञान लेवे, तो जिंदगी भर वो ये नहीं बोल सकेगा कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 72, नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसने नॉर्मल स्टडी नहीं की है। उसको सडनली दे दिया है कैलकुलेटर, जो भी करना है कैलकुलेटर लेके जाओ और टिक 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 करो। ये टिक 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 हमारे देश को टिक 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 कर दिया है, माइंड को भी टिक 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 कर दिया है। हमारा माइंड अभी गूगल से इंफॉर्मेशन लेता है, विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन लेता है, किसी लाइब्रेरी में नहीं जाता, कोई किताब नहीं खोलता, यहाँ तक कि डिक्शनरी नहीं खोलते। हमारे पास अपने फोन के अंदर डिक्शनरी है। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं भी यूज करता हूँ। मुझे कोई वर्ड की मीनिंग चाहिए तो मैं मोबाइल में जाके डिक्शनरी, मेरे पास भी ये है, ऐप्स है, सब ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं। पर आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये सारे ऐप्स भी हमारी जिंदगी में क्या लाते हैं, आपको नहीं पता। जितने ज्यादा ऐप्स उतनी ज्यादा मुसीबतें। चलो, मैं दुश्मन नहीं बनना चाहता उन लोगों से जो कहते हैं कि सर हमने तो इतनी चीजें इन्वेंट की है। मैं उनको कहता हूँ कैरेक्टर को इन्वेंट कीजिए। बच्चों के अंदर देशभक्ति भरी है, बच्चों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भरी है, तब हम कह सकेंगे कि हमारा देश मॉडर्न है, प्रगतिशील है। ये सारे बच्चे जब 25 साल के बाद हमारा सबसे देश जब युवा देश हो जाएगा, इनके कंधे इतने मजबूत होंगे कि अपने देश को अपने कंधों पर लेकर आराम से चल पाएंगे और देश डगमगाएगा नहीं। मुझे डर है कि जिस तरह की यूथ डेवलप होती जा रही है, अनचेंज्ड है, न माता पिता कंट्रोल कर रहे हैं, न टीचर कंट्रोल कर पा रहे हैं, न सरकार कंट्रोल कर पा रही है, वो बच्चे आगे जाकर कहाँ पर टकराएंगे, कहाँ पर गिरेंगे, कहाँ पर खाई में गिरेंगे, पता नहीं लगेगा। बी केयरफुल, मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूँ, शक्तिमान की तरफ से कहना चाहता हूँ कि उतने मॉडर्न बनो जितनी आपको ज़रूरत है, मोबाइल को उतना दोस्त बनाओ जितनी आपको ज़रूरत है, उसको अपने शरीर का हिस्सा मत बनाओ। सोशल मीडिया जैसे आर्टिफिशियल वर्ल्ड से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में आओ। ये आप जानते हैं वर्चुअल वर्ल्ड है। आपके अगर 10 लाख सब्सक्राइबर भी हैं, आपने उनके फेसेस नहीं देखे हैं, आप उसको अपने दोस्त नहीं बोल सकते, वो दुख सुख में आपके पास नहीं आ सकते। 5 दोस्त आपके शहर के, गांव के, घर के, मोहल्ले के, ये काम आएंगे आपको। कोशिश कीजिए धीरे धीरे, भले इसको आप बोलो कि ये अभी प्रगति कम करें, करिए, आप सुखी रहेंगे।